हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के बताऊंगी कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप एक साथ कितने कपड़े जेंट्स के जो है ना वो वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े ऑलरेडी ऐड करना स्टार्ट कर दिया है आपके सामने। दो, ये तीन और ये चार, काउंट करते जाएं अभी। और ये पाँच, छः और जी सात, ठीक है जी। तो मैंने इसमें 11 जोड़े ऐड किए हैं और ये 15 केजी की है। तो आपने इसको कभी भी फुल नहीं भरना है, और जितने फ़िल्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, लिंट फ़िल्टर्स, उनसे कभी भी आपने ऊपर नहीं आना। और अंदर आप देखें अभी भी स्पेस बाकी है, क्योंकि अभी हमने तो पानी भी भरना है ना। और जितने आप कपड़े खुले डुले रखेंगे ना, उतना बेहतर होगा, ठीक है जी। अगर मेरे पास मतलब 10 जोड़े होते ना, तो मैं वो ही वॉश कर लेती, लेकिन अब एक क्या बचाना। तो यहाँ पर आप सेटिंग कर लें सारी, और जेंट्स के कपड़े हमेशा हैवी पे वॉश किया करें। अगर न्यू है तो वो अलग बात है, वो आप खुद देख लें, उसके लिए क्विक फंक्शन मौजूद है, ठीक है। तो सोक टाइम भी मैं दे रही हूँ कपड़ों को 20 मिनट का, और वॉश टाइम भी 20 मिनट का दे रही हूँ। रिंजिस इसके 2 रख रही हूँ मैं, और लिक्विड डिटर्जेंट मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि तकरीबन जो है वो डार्क कलर्स ही थे सारे। तो अब मशीन अपना वर्क करेगी। सॉरी, मैं बीच में दिखाने के लिए नहीं आ सकी थी ऊपर। तो देखें अब कपड़े कितने अच्छे से वॉश हो चुके हैं, और जगह उतनी ही खाली है जितनी पहले हमने छोड़ी थी। ऑब्वियसली उतनी ही होनी है, लेकिन आपको बता रही हूँ कि मतलब पानी भी भर गया होगा ना, तो ये कपड़े अच्छे से वॉश हो रहे होंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं आपको क्विक से रायते की भी रेसिपी दे रही हूँ, जो कि मैंने बिरयानी के साथ बनाया था। सिंपल मैंने दही ले लिया, उसको इस तरह से फेंटा है नमक और काली मिर्च ऐड करके, और जब इसका रायता बन जाएगा तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है। थोड़ा सा आप इसको पतला कर दीजिएगा पानी ऐड करके, इस तरह से, ज़्यादा पतला नहीं रखना। और साथ में ये वेजीज मैंने कट की हुई हैं, जिसमें खीरा, टमाटर, हरा धनिया है, आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर दें, ठीक है। अब इसको हमने इसमें ट्रांसफ़र कर देना है, और हमारा मज़ेदार सा वेज रायता बिल्कुल तैयार है। और इसको आप हमेशा बिरयानी या पुलाव के साथ ही सर्व किया कीजिए। और ये जो है ना मिथ होते हैं कि खीरा जो है दही के साथ नहीं खाया जाता, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मज़े से बनाएं और मज़े से खाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।